हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी अगले 24 आवर्स में, यानी अगले 24 घंटों में वह कैसा महसूस कर सकते हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एग्जैक्टली रेजोनेट करे एक्यूरेटली, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी जोड़ियाक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जो मैसेज आप तक जब पहुँचना है वो आप तक तभी पहुँचता है। ओके व्यूअर्स, चलिए देखते हैं कि अगले 24 आवर्स में यह आपको लेकर कैसा महसूस कर सकते हैं, कैसा फील कर सकते हैं। ओके, ओके, पहला कार्ड है रिजेक्शन। Next 24 hours, his and her feelings in next 24 hours. Okay viewers, let's take one more card. Impatience, right? I hope nazar aa rahe hain aapko ye cards. सबसे पहले व्यूअर्स, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटों में आपके जो पर्सन हैं वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ उनके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं कि जैसे देर ना हो जाए। ओके, अगले 24 घंटे में मुझे लगता है वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं जहाँ उनके मन में ये शंका, ये डाउट बना हुआ है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं साइलेंट ट्रीटमेंट देते देते इतना टाइम लगा दूं कि फिर कुछ पॉसिबल ही ना रहे। तो हो सकता है ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हो सकता है ये बिल्कुल चुप हैं, हो सकता है ये आपके मैसेज का, कॉल का, आपके किसी एफर्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको बिकॉज ऑफ सम रीज़न। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे अब उनके मन में वो डर आने लगा है कि अगर मैंने इस चीज़ को ज़्यादा लंबा खींचा, यानी कि ज़्यादा समय तक और स्ट्रेच किया इस चीज़ को, तो हो सकता है सच में उन्हें मेरे साइलेंस से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। अब अगर अचानक कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, इग्नोर करेगा, तो कुछ समय तक तो आप उससे बात करने के लिए कॉल मैसेज करेंगे, उससे मिलने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ समय तक आप सोचेंगे कि अचानक क्या हुआ, ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, फिर ज़्यादा समय बीत जाने पर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं करनी है बात, ना करें, इग्नोर करें, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बहुत दिन मैंने देख लिया कोशिश करके, अब क्या मैं यही करती रहूँ, मैं इसी चीज़ का हो गया बस। तो यहाँ पर अब उनको लग रहा है कि शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, यानी कि जो माइंड गेम्स खेल रहे थे या खेल रही थी, अब वो उनके कंट्रोल से बाहर नजर आने लगा है, उन्हें इसीलिए चिंता बनने लगी है। जब तक ये गेम उनके कंट्रोल में था, जब तक ये सिचुएशन उनके कंट्रोल में थी, दे वर एंजॉइंग इट, लेकिन अब जो ऐसा लगने लगा है कि बात आगे बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो अब अगर जाओगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, ऐसा इनके फ्रेंड्स इनको बोल रहे हैं, इनके लिए ऐसा अवेयर कर रहे हैं इस बात से। यस, तो ये जब भी कोई बात शेयर कर रहे हैं, इनको यही जवाब, सजेशन या एडवाइस मिल रहा है कि अगर आपने इतने समय तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है या साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, आपकी तरफ से ही रहा है,
ये सब, और आपने ये माइंड गेम्स खेल के किया है, यानी कि खुद प्लान किया था आपने अटेंशन पाने के लिए या अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, या कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अटेंशन दें या ज़्यादा आप परेशान हो जाएं, इनके लिए तड़प उठें, तो वो अटेंशन इन्जॉय करने के लिए अगर ऐसा किया था, तो अब बात तो निकल गई हाथ से, अब मत जाना आप पहले से अप्रोच करने के लिए, क्योंकि अगर आप जाओगे तो अब आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील कर चुका है, बहुत इंसल्टेड फील कर चुका है इस वजह से, और अब वो भरा बैठा है, यानी कि पूरी तरह से वो फेडअप हो चुका है, तो अब वो एकदम अपने अपमान से भरा हुआ बैठा है। अगर आप उससे अप्रोच करोगे तो अब आपको वो डेफिनेटली रिजेक्ट करेगा, क्योंकि अब उसका राइट भी है आपको रिजेक्ट करने का, वो इतने समय तक आपने ध्यान नहीं दिया, दे विल डू द सेम। तो यहाँ पर अब उनको या तो ये दूसरे लोग ये बातें कह रहे हैं अगले 24 घंटों में, या तो ये खुद भी ओवर थिंकिंग करके यही सोच रहे हैं, जिस भी एंगल से सोच रहे हैं, जिस भी एंगल से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका दिमाग इन्हें चारों तरफ से एक ही बात कह रहा है कि हाँ आपके साथ भी सेम हो सकता है, जैसा आपने किया ना दूसरा इंसान भी वही कर सकता है, जाना मत, ट्राई मत करना। तो इनका इनका मन भी इनको इसी चीज़ के लिए डरा रहा है, पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो इम्पेशेंट बहुत हो रहे हैं। क्यों? उत्सुकता बढ़ गई उनकी अब जब से आपने इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया, उनका इंटरेस्ट, उनका एक्साइटमेंट, उनकी जिज्ञासा बढ़ चुकी है आपकी तरफ बढ़ने में, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है, ज़्यादा हो चुका है ये। अब ऐसा लगता है कि आपके पास जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी इंसल्ट का डर है, अपने डिसरिस्पेक्ट का डर है, इसीलिए नहीं जा रहे, और सोच रहे हैं क्या पता अभी भी आप एक बार और ट्राई करोगे, अभी भी आप इन्हें अप्रोच करोगे तभी हाँ कर देंगे, तभी समझ जाएंगे, तब ये कन्विंस हो जाएंगे या बात करेंगे या समथिंग एल्स। लेकिन ये अब अधीर हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, सब्र नहीं हो रहा इनसे, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी पैशनेट एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यहाँ पर वो इतना ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए अगले 24 घंटों में, और मैं कहूँगी इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि अचानक से पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ये पुश एंड पुल सिचुएशन तभी होती है जब इंसान इतना माइंड गेम्स खेलता है एंड ऑल दैट, जस्ट बिकॉज उसको अटेंशन इतनी मिलती है, उसको इंजॉय करता है, या अपना ईगो बूस्ट करता है, या कहीं ना कहीं कोई मेरे लिए तड़प रहा है ये देखकर उसको एक वैल्यू है मेरी, मेरी कुछ बात है मुझ में, ऐसा उसे कुछ लगने लगता है। तो इसे कहते हैं इमैच्योरिटी भी कहते हैं इसको, इमैच्योरिटी भी कहते हैं, एंड लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये पे अब आपके लिए ये इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी आप इनके लिए अब इरेजिस्टिबल हो चुके हो, जितना अट्रैक्शन जितना पैशन ये आपके लिए फील कर रहे हैं अब ये इनके कंट्रोल में नहीं नज़र आता। ऐसा लगता है जैसे आपके पिक्चर्स को बहुत देखने लगे हैं इन दिनों, और अगले 24 घंटों में भी ये नज़र आता है कि अगर आपसे बात फिर भी नहीं की इन्होंने, इन्होंने खुद को फिर भी रोक के रखा, तो अगले 24 घंटे में ये अगले 24 घंटे में से कई देर तक, कई टाइम तक, कई समय तक, ये कई घंटों तक ये आपको स्टॉक करने वाले हैं, आपके पिक्चर्स को स्टॉक करने वाले हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, आपने उनको या उन्होंने आपको, तो इनके डिवाइस में, इनके फ़ोन में अगर आपके फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, समथिंग लाइक दैट, तो उसको भी देखने वाले हैं। तो अब क्योंकि पेशेंस नहीं है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब तो अब आप चले ही गए हाथ से, इन्होंने जो भी किया था उसका क्या ही फ़ायदा हुआ, जब आप इनकी लाइफ से जाने लगे हो तो अब क्या फ़ायदा। तो इसीलिए इम्पेशेंट हो रहे हैं और भागकर आपके पास पहुंचना चाहते हैं। सीरियस, ये इंसान से इतना इम्पेशेंट है कि सीढ़ी पर चढ़ के चांद को छूना चाहता है। ओके, तो अब इनको इंतज़ार नहीं है व्यूअर्स। यस, बहुत पैशनेट फील करने लगे हैं आपके लिए, और अगले 24 घंटे में तो बहुत पैशनेट फील कर ही रहे हैं, बहुत अधीर हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि थोड़ा किस्मत के बारे में भी सोच रहे हैं, पता नहीं अब आप उनकी किस्मत में हो या नहीं, या किस्मत में दोबारा आपसे यूनियन लिखा है या नहीं, किस्मत दोबारा आप लोगों को मिलाएगी या नहीं, किस्मत दोबारा आप लोगों को वापस एक करेगी या नहीं। तो मुझे लगता है किस्मत के भरोसे बहुत हो रहे हैं ये। यस, कि अब किस्मत में क्या लिखा है, क्या होगा, इस बात पर अब इनका बहुत ध्यान जा रहा है, और लगता है जैसे प्रे भी कर रहे हैं, डिवाइन को प्रे कर रहे हैं, डिवाइन को प्रे नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा ही बोल रहे हैं, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। तो
इस तरीके से भी वो अपनी किस्मत के लिए किस्मत के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं और नहीं छोड़ रहे हैं किस्मत पर, तो भी ना किस्मत के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं। ये इंसान ना थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे इमेच्योर है, अटेंशन पाना, अटेंशन सीकर है। इमेच्योर कहें ना कहें लेकिन अटेंशन सीकर तो है। अभी चार लोग तारीफ करेंगे तो ये ताड़ के झाड़ पे चढ़ जाएंगे, ठीक है, और अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया तो इनको गुस्सा भी आ जाएगा। तो ये अटेंशन सीकर भी है और फिर इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है। जब तक गेम चलता रहता है ऐसे ही, यू नो, कैजुअल, सिंपल, नॉर्मल, बेसिक, ऐसी ही कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अटेंशन पाने के लिए, तब तक ठीक है। लेकिन जब इनका इनका जो एक्शन है वो इन्हीं के ऊपर भारी पड़ता है तब ये तिलमिला उठते हैं ऐसा लगता है, ठीक है। या तो फेक सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं ये अगले 24 घंटे में, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ओके, यस, चलिए आगे और क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द सिचुएशन अ बिट मोर। ओके, दे थिंक दैट दे विल बी लॉयल टू यू और यू आर लॉयल टू देम। इनको लगता है कि आप इनसे बहुत लॉयल थे, बहुत लॉयल थे और बिना किसी डिमांड के, बिना किसी क्वेश्चन के इनको प्यार कर रहे थे आप। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया है या अगर ये आपको खो देंगे तो कुछ बहुत वैल्यूएबल खो देंगे अपने लाइफ में, कुछ बहुत प्रीशियस खो देंगे। इस बात का इनको रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा है और अगले 24 आवर्स में भी इनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप जितने लॉयल थे, जितने गिविंग थे, जितने केयरिंग थे, जितने लविंग थे, अगर आपको खो दिया इन्होंने तो इनकी लाइफ से सबसे प्रीशियस चीज़ चली जाएगी। ये जानते हैं व्यूअर्स कि आप अपनी जगह ठीक थे, ये अब आपको गलती, आपकी गलती निकाल ही नहीं सकते। दे नो दैट यू वर राइट। यस, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये अभी भी आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हेयर समथिंग फ्रॉम यू। वो अभी भी मैंने कहा ना, वो चाहते हैं एक बार आप पुकार के देखो, इस बार तो पक्का मैं आपकी तरफ भागा भागा चला आऊँगा या चली आऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सीरियसली ना लेकर, इस सिचुएशन को सीरियसली ना लेकर ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव किया है, जिसका अब इनको परिणाम मिल रहा है या मिलेगा, ऐसा इनको रियलाइज हुआ है। और अब कितना भी इम्पेशेंट हो जाए, कितना भी पैशनेट फील करें, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप भी व्यूअर्स अपने ही जोन में हो चुके हैं। या यू आर नॉट रेडी और यू विल नॉट बी रेडी टू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। अब आप भी अपने ही जोन में रहेंगे, जैसी लाइफ आपकी है, जैसा आपको पसंद है, जैसा आपका मन चाहता है, अब आप भी किसी और को ज़्यादा अटेंशन देने के लिए, ज़्यादा प्लीज करने के लिए, ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए, अब अपने कंफर्ट को, अपनी लाइफ को जैसे आप चाहते हैं उसको चेंज नहीं करेंगे अब किसी के लिए। यानी कि अब आप अपने ही आराम में, आराम का मतलब ये नहीं कि रेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने ही रिलैक्सेशन में, अपने ही मूड में, अपने ही कंफर्ट जोन में, अपनी ही वाइब में रहने वाले हैं। अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, वो उनकी ही वजह से हो रहा है। दे विल ट्राई टू बी स्वीट विद यू, श्योर अबाउट दैट। ये आपके साथ बहुत स्वीट होने की कोशिश करेंगे बिकॉज टू इम्प्रेस यू अगेन एंड टू कन्विंस यू अगेन इन फ्यूचर, ये कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ इतना स्वीट बिहेव कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग आपकी। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने परसेंट आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।